मैं जा रहा हूँ बैकलामपुर एंड बहुत दिन के बाद ही ट्रिप फिर प्लान हुआ। मैं और मेरे कुछ बड़े भैया एंड दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सो देखते आज का ट्रिप कैसा होता है। एंड हम लोग एक जा रहे हैं एक हिडन प्लेस में, एक अनसीन प्लेस में, एंड काफ़ी सही प्लेस है वो। सो चलते हैं वो प्लेस पे एंड आज के ट्रिप को एंजॉय करते हैं गाइस। ओके गाइस, हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी सही लग रहा है। और दो भाई लोग आए हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस। अभी रोड पे हैं, डैड यहाँ से सीधा आ जाएंगे, देन RGP आ जाएगा। सो काफ़ी सही रोड है एंड मज़ा भी आ रहा है, वेदर भी काफ़ी सही है। आज का व्लॉग देखने में मज़ा आएगा आप लोगों को भी एंड मुझे शूट करने में भी। बट काफ़ी धूप तो काफ़ी है, बट सही है। ये तो भैया लोग हैं एंड हम जा रहे हैं आगे। जस्ट वेद व्यास पार हुआ है एंड पानपुर से वेद व्यास का रोड की कंडीशन तो आप लोग जानते ही हैं, इतना गंदा है कि पूछो मत यार। बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। एंड अभी काफ़ी डिस्टेंस और है, और पता नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, बट है काफ़ी डिस्टेंस है। सो राइड चलते हैं वहाँ पर एंड इस राइड को एंजॉय कीजिए आगे। Go, there's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. तो हम काजवाल पहुंच चुके हैं एंड ऑल द वे है काजवाल से बस 1-2 किलोमीटर होगा। एंड रोड काफ़ी स्मूथ है, राइड काफ़ी सही जा रहा है एंड आई होप आप सभी को वीडियो भी इंजॉय कर रहा होगा, वीडियो भी मज़ा आ रहा होगा। एंड ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है काजवाल से, कुछ और 20-30 किलोमीटर ही होगा, नहीं उससे भी कम होगा आई थिंक। और ये हम पहुँच गए हैं हमारा पहला टोल नाका, 1 किलोमीटर के बाद है। अरे टोल नाका आ गया है हमारा पहला टोल नाका, और ये एक ही टोल नाका है ये रूट पे, ये रूट के बीच में। अभी सही लग रहा है और आगे जाना है एंड डिस्टेंस भी और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस है। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं राजगामपुर एंड यहाँ से बस आगे से लेफ्ट लेंगे तो राजगामपुर एंटर करेंगे। बट आई थिंक हम हाईवे ले रहे हैं, आई डोंट नो क्यू। राजगामपुर का रूट तो ये है, देखते हैं पहले कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, मैं जानता नहीं, मेरे भाई लोग जानते हैं तो उनको फॉलो कर लेते, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, आई वॉज रॉन्ग, हम राजगामपुर नहीं जा रहे हैं, राजगामपुर से और 10 किलोमीटर आगे एक प्लेस है वहाँ जा रहे हैं। मेरा पोपट हो चुका है, कोई नहीं चलता है होता है, चलो चलते हैं। मैं भी राजगामपुर भी जाएंगे आई गेस, आई मीन राजगामपुर के अंदर, अभी राजगामपुर के ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे वो प्लेस है एंड हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड भी काफ़ी सही है, हम जा भी मस्त रहे हैं। बस मुझे एक ही दिक्कत हो रहा है, विंडशील्ड नहीं है तो बहुत विंड ब्लास्ट हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। बट मज़ा बहुत आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस गाड़ी चलाते रहो ऐसे, और क्या चाहिए जिंदगी में, दोस्तों के साथ बस ड्राइव करते रहो, लॉन्ग ड्राइव करते रहो। ये काफ़ी सही लग रहा है और कुछ 8-9 किलोमीटर बाकी होगा, वहाँ पहुँच कर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, मैं यहाँ से आया, देन स्ट्रेट लेके लेफ्ट, आप लोग पढ़ सकते हैं ये बैनर जो लिखा हुआ है, देन यहाँ से लेफ्ट लेके स्ट्रेट, और यहाँ से 2 किलोमीटर और है देन हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और ये हम क्या ही अमेजिंग व्यू में आ चुके हैं गाइस, क्या ही रोड है यार। और यहाँ से हम क्या ही लोकेशन पे आ चुके हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं
क्या दिख रहा है यार, मतलब फोन जस्टिस नहीं कर रहा है इस लोकेशन को, बट क्या ही ओपी दिख रहा है यार, सीरियसली मस्त दिख रहा है यार। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। सो मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, कहाँ आया हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।